तो भाई इंडिया के अंदर पोको अपने पोको F4 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है और ये जो स्मार्टफोन होगा ना मिड रेंज सेगमेंट के ऊपर OnePlus Nord 2T को बहुत ही बड़ी टक्कर देने वाला है बिकॉज इसकी प्राइस ना OnePlus Nord 2T से 1 से 2 हज़ार रुपये कम ही होने वाली है और जो स्पेक्स हैं वो काफ़ी दमदार होने वाली है। OnePlus Nord 2T की बात करें तो ये स्मार्टफोन भी ना कहीं ना कहीं जून के एंड तक देखने को मिल जाएगा इंडिया में। तो ऐसे में भाई अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो कि पोको F4 5G स्मार्टफोन को बाई करें OnePlus Nord 2T स्मार्टफोन को बाई करें, कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेस्ट हो जाता है अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देख लेना। हे गाइस, मैं हूं सुयोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सुयोम YouTube चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और भाई अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करके सबसे पहले अगर हम बात करें इन फोन्स के बिल्ड क्वालिटी, लुक और डिजाइन को लेकर, तो दोनों ही फोन्स का जो लुक है ना वो अलग अलग देखने को मिलता है अपने अपने ब्रांड वाइज। लेकिन गाइस अगर बात करें ना बिल्ड को लेकर, तो दोनों ही फोन ग्लास बैक के साथ में आते हैं, प्रीमियम डिजाइन के साथ में आते हैं। लेकिन जो पोको वाला फोन है ना लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा लगेगा डिजाइन वाइज, बिकॉज यहां पर आपको फ्लैट एजेस देखने को मिलते हैं, बॉक्सी कॉर्नर्स देखने को मिलते हैं और जो वन प्लस है ना वो बैक से कर्व एजेस के साथ देखने को मिलता है। तो दोनों ही की अलग अलग डिजाइन हो जाती है, डिजाइन वाइज आपकी चॉइस हो सकती है बट बिल्ड क्वालिटी वाइज लगभग सिमिलर से हो जाते हैं। वेट की बात करें तो पोको वाला स्मार्टफोन थोड़ा सा हैवियर साइड आपको देखने को मिलता है, 195 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, वहीं पर जो वन प्लस वाला स्मार्टफोन है 190 ग्राम्स के साथ देखने को मिलता है। तो अगर लुक वाइज चूज करना हो तो मैं चूज करूंगा पोको F4 स्मार्टफोन को, बिकॉज फ्लैट एजेस से मुझे काफी ब्यूटीफुल लगता है ये स्मार्टफोन, आईफोन 13 जैसा फील कराता है। बाकी अगर दोनों फोन की डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर जो पोको है ना वो सेंटर में पंच होल कटआउट के साथ आता है, वन प्लस टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पंच होल कटआउट के साथ में आता है। जो स्क्रीन साइज की बात करें तो पोको की थोड़ी सी बड़ी मिलती है, 6.7 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है, वहीं पर वन प्लस की तरफ से 6.43 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। हाई रिफ्रेश रेट की बात करें तो पोको के साथ में 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि काफी कमाल की बात हो जाती है। वन प्लस की तरफ से आपको देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट। तो अगर कहीं ना कहीं डिस्प्ले वाइज देखें ना तो पोको वाला डिस्प्ले मुझे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि बड़ी साइज भी मिलती है, हाई रिफ्रेश रेट भी ज्यादा देखने को मिलता है। यही नहीं, पोको F4 के साथ में आपको 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो ब्राइटनेस भी कमाल की है। डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है, HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, वाइड 1L1 का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। डिस्प्ले में भाई आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलता है पोको वाले, यही एक कमी है। वहीं पर वन प्लस नॉट 2T के साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है जो कि एक अच्छी बात है। वन प्लस नॉट 2T के अंदर भी आपको HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों ही फोन्स में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा गाइस दोनों ही फोन्स एमोलेड पैनल के साथ में आते हैं, लेकिन पोको F4 में आपको E4 एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, तो डिस्प्ले वाइज विनर हो जाता है पोको F4 स्मार्टफोन। इसके अलावा अगर दोनों ही फोन्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही में अलग अलग चिपसेट देखने को मिलता है, जहां पर पोको F4 के साथ में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 वाला पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है, तो वन प्लस नॉट 2T के साथ में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 वाला चिपसेट देखने को मिलता है। अभी जो दोनों ही चिपसेट है अगर पावरफुल देखें ना तो कहीं ना कहीं मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 वाला चिपसेट है, पावर इफिशियंट चिपसेट है, 6nm आर्किटेक्चर के साथ में आता है। वहीं पर स्नैपड्रैगन 870 जो चिपसेट है ना ये 7nm आर्किटेक्चर के साथ में आता है, लेकिन इस फोन का जो GPU होने वाला है वो कमाल का होगा बिकॉज 870 के साथ में आपको GPU परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो अगर आपको गेमिंग करना है, एक ऑप्टिमाइज चिपसेट चाहिए, अच्छा GPU चाहिए, परफॉर्मेंस कमाल की चाहिए गेमिंग के अंदर ना, पोको F4 एक अच्छा ऑप्शन होगा। बाकी वन प्लस नॉट 2T भी एक अच्छा ऑप्शन होगा, पावरफुल चिपसेट है तो परफॉर्मेंस आपको कमाल की निकाल कर देने वाला है। लेकिन भाई अगर आपको गेमिंग करना है, एक वर्ड में बोलो ना कि एक पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए, चिपसेट ऑप्टिमाइज चाहिए, वेल परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं पोको F4 को चूज करना चाहिए, जहां पर आपको लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी काफी बड़ा मिलता है और काफी अच्छे गेमिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन भाई अगर बात करें सॉफ्टवेयर और UI को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपकी चॉइस हो सकती है बिकॉज पोको F4 के साथ आपको MIUI 13 देखने को मिलता है, तो वहीं पर OnePlus Nord 2T के साथ में आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिलता है। अब भाई ऑक्सीजन OS कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट है अभी के टाइम पे भी MIUI 13 से। बाकी दोनों ही फोन Android 12 के साथ में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन OS 12.1 मिलता है OnePlus Nord 2T के अंदर, तो सॉफ्टवेयर वाइज कहीं ना कहीं OnePlus Nord 2T एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बट अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिला दो तो दोनों ही में कहीं ना कहीं आगे निकलेगा पोको F4 स्मार्टफोन। पोको F4 स्मार्टफोन में DDR5 RAM UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। OnePlus Nord 2T के साथ में UFS 3.1 स्टोरेज टाइप तो मिलती है बट DDR4 RAM देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं ना जो कि कहीं ना कहीं पोको F4 परफॉर्मेंस में भी आगे निकल जाता है। और अगर गेमिंग करना है डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा पोको F4 एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। कैमरास की बात करें तो यहां पर नो डाउट OnePlus थोड़ा सा आगे निकलेगा बिकॉज ट्रिपल कैमरा लेंस दोनों ही फोन में देखने को मिलते हैं। OnePlus में जो प्राइमरी लेंस मिलता है वो सोनी IMX766 वाला सेंसर है, इसके अलावा 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 का मोनोक्रोम फालतू लेंस देखने को मिलता है। बाकी सेल्फी के लिए आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। वहीं पर अगर बात करें पोको F4 की तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है। अब यहां पर कौन सा सेंसर यूज किया गया ये तो कंफर्म नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं सोनी IMX766 एक ज्यादा ऑप्टिमाइज एक काफी कमाल का सेंसर हो जाता है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि OnePlus Nord 2T कैमरा के मुकाबले में थोड़ा सा आगे निकलेगा। बाकी यहां पर भी आपको 8 का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा और 2 का फालतू मैक्रो लेंस यहां पर भी देखने को मिलेगा। सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर यहां पर दिया गया है। तो भाई अगर ओवरऑल कैमरा की बात करें तो OnePlus Nord 2T थोड़ा सा अच्छा
निकल जाता है। बाकी देखना होगा रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है कैमरा, उसके लिए वेट करना होगा आपको लॉन्च का। बाकी गाइस अगर कैमरा की ही बात की ना, तो यहाँ पर आपको बता दूं दोनों ही फोन्स में OIS मिलता है प्राइमरी लेंस में, और दोनों ही से बैक से आप 4K 60fps वाली वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाओगे। तो कैमरा को लेकर दोनों ही फोन्स खराब नहीं रहने वाले, लेकिन OnePlus Nord 2D थोड़ा सा आगे निकल जाता है ऑन पेपर स्पेक्स वाइज। अभी तक बैटरी की बात करें, दोनों फोन में 4500mAh की बैटरी मिलती है, जहां पर गाइस आपको पोको F4 में देखने को मिलता है 67W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, तो OnePlus Nord 2D के साथ आपको देखने को मिलता है 80W के चार्जिंग का सपोर्ट। तो बैटरी और चार्जिंग में कहीं ना कहीं OnePlus Nord 2D बाजी मार जाता है। बाकी दोनों ही फोन्स में 3.5mm ऑडियो नहीं हेडफोन जैक नहीं मिलते हैं। और अगर पोको की बात करें, तो यहां पर कुछ चीजें यूनिक देखने को मिलती है, जैसे IP53 की रेटिंग देखने को मिलती है, आयर ब्लास्टर देखने को मिलता है, NFC देखने को मिलता है, और ये चीज OnePlus में नहीं देखने को मिलती है। लेकिन भाई OnePlus में इनका यूनिक एलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है। बाकी दोनों ही फोन्स में डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। ओवरऑल कुछ यही कंपैरिजन है इन दोनों स्मार्टफोन का। लेकिन अगर आप अब तक कंफ्यूज हो कौन सा फोन बेस्ट है, किस फोन को आपको इस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए, बिकॉज दोनों ही फोन की जो प्राइस है वो इक्वल होगी, कहीं ना कहीं पोको F4 स्मार्टफोन थोड़ा सा कम प्राइस के ऊपर आएगा ऑफर्स वगैरह में स्टार्टिंग में, तो कहीं ना कहीं अगर ये स्मार्टफोन 26 से 27 हज़ार के करीब स्टार्ट हो जाता है, तो OnePlus Nord 2D से एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी डिस्प्ले मिलती है, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, एक यूनिक बैक देखने को मिलता है, और एक कमाल का ओवरऑल पैकेज हो जाता है। OnePlus Nord 2D एक अच्छे ब्रांड वैल्यू के साथ में आता है, अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और अच्छा कैमरा क्वालिटी मिलता है। तो भाई अब आप में से काफी सारे लोग कंफर्म हो गए कि कौन सा फोन लेना है, नीचे कमेंट करके बता देना कि आप किस फोन को चूज कर रहे हो। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार ऐसे कमाल की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक और कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।